जय माता दी। दिस इज संध्या पांडे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, जो जानकारी मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ वह यह है कि निर्जला एकादशी का व्रत कब है, किस तारीख को है, किस दिन है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा विषय। सन 2022 में निर्जला एकादशी का व्रत शुक्रवार के दिन 10 मई शुक्रवार के दिन किया जाएगा और शुक्रवार की सुबह 7:25 से एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और यह एकादशी शनिवार के दिन यानी कि 11 मई शनिवार के दिन 5:45 तक रहेगी। ऐसे में एकादशी का व्रत 11 तारीख को भी किया जा सकता है और से 10 तारीख को भी किया जा सकता है। तो 10 तारीख को जो गृहस्थ के लोग होते हैं वह करेंगे, 11 तारीख को जो सन्यासी लोग होते हैं वह लोग करते हैं। यानी हम सभी लोगों को 10 तारीख शुक्रवार के दिन इस व्रत को करना है। आपको मैंने बताया कि सुबह 7:25 से एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और से 11 मई शनिवार के सुबह 5:45 तक यह तिथि रहेगी। पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह है दोपहर 1:44 से शाम को 4:30 के बीच में, इस बीच में पारण करना है। दोस्तों, यह बहुत ही पुण्यवान और से अति महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि का व्रत करने से जो भी भक्त होते हैं, जो भी साधक हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह बहुत ही कल्याणकारी और श्री हरि विष्णु को सर्वाधिक प्रिय और उनको समर्पित व्रत है। भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक जो तिथि पसंद है, प्रिय है, वह है एकादशी और एकादशी की तिथि भगवान श्री कृष्ण को, श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। इस व्रत को करने से भक्त को, साधक को श्री हरि विष्णु की कृपा के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि जहाँ विष्णु भगवान की कृपा होती है वहाँ माता लक्ष्मी जी की कृपा भी अपने आप होने लगती है। तो यह थी जानकारी कि निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन है, किस तारीख को है और से पारण कब करना है। और इसके अलावा आपको और भी किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, आपको बहुत प्यार मिल रहा है। मिलती हूँ फिर एक नए और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अनुमति चाहूँगी। जय माता दी।